फ्रेंड्स, जॉब सेंड करियर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज जो जॉब आया है वो MESCOM मतलब मैस्को से आया है, मैस्कॉम से आया है। तो इसमें आपको टोटली 200 अप्रेंटिस का वैकेंसीज दिया गया है। तो अप्रेंटिस जॉब है और अप्रेंटिस का पोस्ट है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहेगा, पूरा डिटेल्स आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस डेली नॉलेज का, जीके जीआई का नॉलेज के चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। यहाँ से आपको डेली जीके जीआई का नॉलेज भी मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैस्कॉम से जो रिकमेंड आया है वो 9 अगस्त से शुरू होगा और 9 सितंबर तक चलेगा, सॉरी 19 अगस्त से शुरू होगा और 19 सितंबर तक चलेगा। और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है वो एक्चुअली आप देखिए, मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो मैस्कॉम का फुल मतलब फुल कंपनी का नाम यह है, ऑर्गेनाइजेशन वही है। 200 वैकेंसीज है जिसमें देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 125 पोस्ट, टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 75 पोस्ट। और यहाँ पे देखिए प्राइवेट जॉब है, अप्रेंटिस का पोस्ट है। और 28 तक आपका एज लिमिट रहेगा, 18 से 28 ईयर्स तक। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्शन जो पॉजिटिव रहेगा वो एक्चुअली आपका जो मार्क्स होगा, आपका क्वालिफिकेशन का मार्क्स, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। तो क्वालिफाई होने के बाद एग्ज़ाम होगा एक्चुअली, तो पहले आपको आपका मार्क्स का ऊपर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और सैलरी पैकेज देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 7000, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 5000 आपको सैलरी मिलेगा, मतलब एक्चुअली स्टाइफेंड मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगा यहाँ पे। एडुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आपको डिप्लोमा बीए बीटेक रिलीवेंट आपको, मतलब रिलीवेंट मतलब आपका जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट से आपको पास आउट होना है तभी अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लास्ट डेट तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक्चुअली 5 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर 9 अगस्त से शुरू होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए 120 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डिप्लोमा के लिए आपको 75 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर आपको ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर का। साथ ही साथ और भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीड्यूर भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। 2 स्टेप आपको फिलअप करना होगा, 2 ही स्टेप में आपको दिखा दूंगा, ये 2 स्टेप आपको फिलअप करना होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट यहाँ पे डेट पूरा दिया गया है और डेट में जाकर आप अप्लाई करिए। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनर में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एनरोल करिए। तो एनरोल करने के बाद एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ये जो 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद इस फिलअप करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेप कैसा है, आई एम यहाँ पे स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से एक कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे देखिए आप कौन सा स्टेट में बिलोंग करते हैं, मैं कोई भी स्टेट देता हूँ। और आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका पास आउट कंप्लीट कर चुके हैं तो कौन सा ग्रेजुएट डिप्लोमा कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा साल में कंप्लीट कर चुके हैं वो भी यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आप एक पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एग्री कर दीजिए। और यहाँ पे आपको फ़ोन, यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस में आपको OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपको फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप फिलअप करना होगा। सिंपल स्टेप है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले जॉब लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।